नमस्कार, खबर 3 बजे में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर है, मथुरा में कुछ वक्त के लिए काफिला रोका गया था, एम्बुलेंस में तकनीकी खराबी आ गई, जिस एम्बुलेंस से मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को वेदांता से सैफई उनके पैतृक गांव ले जाया जा रहा है। मथुरा में थोड़ी देर के लिए काफिले को रोका गया, एम्बुलेंस खराब हो गई थी और इसी वजह से वृंदावन के पेट्रोल पंप के पास काफिला रुका है। करीब 10 मिनट तक काफिला रुका रहा। अखिलेश, धर्मेंद्र, शिवपाल यादव भी काफिले में मौजूद है। कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह अमर रहे के नारे भी लगाए। सैफई ले जाया जा रहा है मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर, और इस दौरान यमुना एक्सप्रेस से होकर जब काफिला गुजर रहा था, वहां एक एम्बुलेंस जो काफिले में शामिल थे, जिसे पार्थिव शरीर उनका ले जाया जा रहा था, उसमें तकनीकी खराबी की वजह से उसे करीब 10 मिनट तक वृंदावन के एक पेट्रोल पंप के पास रोका गया। यहां कार्यकर्ता तुरंत पहुंच गए और उन्होंने मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद के नारे लगाए, अमर रहे के नारे लगाए। अंतिम दर्शन के लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ गई। तस्वीरें आप देखें किस तरह से यहां एम्बुलेंस में तकनीकी खराबी के बाद करीब 10 मिनट तक इसी पेट्रोल पंप के पास एम्बुलेंस रुकी रही। तमाम समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है तुरंत पहुंचे मुलायम सिंह के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए। कार्यकर्ताओं ने यहां अमर रहे के नारे भी लगाए। संवाददाता मोहित राज दुबे हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। मोहित, काफिले के साथ साथ ही चल रहे हैं, सैफई की तरफ रवाना हो रहे हैं, कहां काफिला पहुंच गया है मोहित, और बीच में मथुरा में कोई टेक्निकल इशू की जानकारी भी है? देखिए, तो थोड़ी सी गाड़ियों में टेक्निकल इश्यूज की बात आई थी, लेकिन उसका समाधान निकाल लिया गया है। आपको बता दें कि इस वक्त मैं मथुरा टोल के पास खड़ा हूं और मुलायम सिंह का काफिला जो है हमारे ठीक पीछे है, और थोड़ी देर के बाद यहां से गुजरने वाला है, फिर हम उसके साथ हो चलेंगे। लेकिन देखिए, नेताजी के जाने के बाद आपको बताते हैं कि लोगों में शोक की लहर है, लोगों में बहुत ज्यादा दुख है। और इस वक्त आपको बता दूं कि मैं हाईवे पे मौजूद हूं और यहां पर उनको अंतिम संवेदना देने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए तमाम जो उनके कार्यकर्ता हैं, तमाम चाहने वाले जो लोग हैं, वो सड़कों पे खड़े हैं, समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर खड़े हैं कि एक बार आखिरी दर्शन नेताजी के हो जाए, मुलायम सिंह यादव के हो जाए। देखिए, यही तो उन्होंने कमाया था और उनकी जो चाहत थी लोगों में, वो आज यहाँ पर देखिए सड़कों पे दिखाई दे रही है कि हर 100-200 मीटर की दूरी पे आपको इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जत्था दिखाई दे देगा। आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? हर्ष यादव, नबीपुर। नबीपुर यहाँ क्यों खड़े? मुलायम सिंह यादव जी को देखने के लिए। मुलायम सिंह यादव के देखने के लिए, अंतिम बार देखने के लिए। जी, क्या करते हैं? स्टडी। आप पढ़ाई करते हैं जी? आप कहाँ से आए? मैं यहीं बलदेव से हूँ। गरीब, शोषित, वंचित, लाचार, पीड़ित, असहाय, मजदूर, मजलूमों के नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने आज जवान का शरीर जो सीमा से घर तक पहुंचाने का काम किया, आज उन्होंने हमारे नेताजी का पार्थिव शरीर उनके गाँव जा रहा है, उनको देखने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। आदरणीय नेताजी को हम कभी नहीं भुला सकते, कभी आप लोग नहीं भुला सकते हैं। आप कहाँ से हैं? मैं उपदेश पांडे, बलदेव विधानसभा से हूँ। ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, हम अंतिम संस्कार के लिए खड़े, हाँ बिल्कुल, विदाई देने के लिए ठाड़े हैं सभी लोग नेताजी के। मुलायम सिंह जी के जाने के बाद अब समाजवादी पार्टी को आप कैसे देखते हैं, क्या भरपाई हो पाएगी उनकी? बिल्कुल भरपाई होगी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भरपाई करेंगे, ऐसी बात नहीं है, और मजबूत होगी पहले से, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया। अब ये और कह रहे हैं, अकेला महसूम नहीं होने देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे और बजाइए। देखिए, ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पुलिस बल है, उत्तर प्रदेश की पुलिस बल भी यहाँ पे मौके पे तैनात किए गए हैं, ताकि जो उनके चाहने वाले लोग हैं वो सड़कों पे ना आ पाए। और आपको बता दें कि इसी हाईवे से जो है आगे गुजरेगा। आपका क्या नाम है? पीतम्बर पांडे। अच्छा, आप क्या चेयरमैन हैं? विधानसभा अध्यक्ष हैं। आप ये बताइए कि मुलायम सिंह के जाने के बाद आप किस तरीके से समाजवादी पार्टी को देखते हैं, क्योंकि एक समाजवादी पार्टी का स्तंभ चला गया जिसने पार्टी को बनाया था। देखिए, जो मुलायम सिंह जी थे वो एक खम्भ थे, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अखिलेश यादव जी हैं, वो सब एक जो ढोकर के कार्यकर्ता, तो उनको युवा है और ऐसे उसको खम्भ बनाएंगे, मुलायम सिंह यादव से भी और अधिक ऊंचाई भी पहुंचाएंगे, मजबूत करेंगे। नेताजी की मुलाकात हुई? हाँ, हुई सर। अंतिम बार कोई ऐसी याद आपको याद हो जो ये? साहब, मेरी मुलाकात हुई जब मैं विधानसभा अध्यक्ष था, और जब नखलू हमको बुलाए थे, जब मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने एक शब्द कहा था, मैं बड़ा अध्यक्ष हूँ, आप छोटे अध्यक्ष हो, जो कार्यशैली होगी वो आप जनता तक पहुंचाइए और मेरी आवाज उठाइए और जनता को मजबूत करिए, और एक एक कार्यकर्ता को समझाइए कि घर घर जाकर के अपनी कारगिंदगी बताइए कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आकर्षित करती है, आपको जुड़ने के लिए मजबूर कर देती है। वो धरती पुत्र मुलायम सिंह,
धरती पुत्र मुलायम सिंह धरती से निकले हुए और वहां तक मुख्यमंत्री तक और उस तक पहुंचे। धरती पुत्र मुलायम सिंह को लेकर लोग बात कर रहे हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनके मृत्यु के बाद, उनके निधन के बाद तमाम उनकी जो विरोधी पार्टियों के जो उनके दोस्त हैं, खासतौर पर हम ये कह सकते हैं, उनका ये कहना है, हम चाहे गुलाम नबी आजाद की बात कर लें या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात कर लें, कि एक ऐसा किसान नेता, एक ऐसा धरती पुत्र, एक ऐसा पिछड़ों वंचितों की आवाज उठाने वाला शख्स आज हमारे बीच से चला गया है। बिल्कुल, जो हर तबके की बात करते थे, आपको बता दें कि उनका दिल इतना बड़ा था कि सिर्फ अपनों को, बिल्कुल बने रही, और वहां से जब काफिला गुजरेगा उस तस्वीर हम दर्शकों को दिखाएंगे। आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव से बात की, ये जानकारी है, नेताजी के निधन पर अखिलेश से बात करके दुख जाहिर किया है। अखिलेश यादव से प्रियंका गांधी ने फोन पर बातचीत की है। अक्रॉस द पार्टी लाइन हम तमाम नेताओं को देख रहे हैं, वो मुलायम सिंह यादव के लिए अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें भी हमने देखी, जब राहुल गांधी ने मुलायम सिंह की यादव की तस्वीर पर एक तस्वीर वहां लगाई गई थी कर्नाटका में, और वहां श्रद्धांजलि अर्पित की। दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला जैसे नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी है। और प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव से फोन पर बात करके दुख जाहिर किया है। बड़ी और अहम खबर है, नेताजी के निधन पर अखिलेश यादव से बात करके प्रियंका गांधी ने संवेदनाएं जाहिर की हैं। उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, महासचिव हैं कांग्रेस की, और उन्होंने अखिलेश यादव से बात की है। वो तस्वीर भी हमने चुनाव के दौरान देखी थी, जब अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के दौरान आमने सामने आए थे, एक दूसरे का अभिवादन किया था। समाजवादी पार्टी नेता और अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अरविंद सिंह गोप भी मुलायम सिंह यादव के निधन की खबर सुनकर अपना दुख संभाल नहीं पाए, फूट फूट कर गोप रोने लगे। देखिए, हम लोग का शब्द नहीं, आज हमने अपना बराबर खो दिया। आज मुलायम सिंह जैसा नेता न पैदा हुआ न पैदा होगा, गरीब किसान नौजवान ने अपने मसीहा को खो दिया है। आप श्रद्धा समर्पण अपने नेता को समर्पित करते हैं। अरविंद सिंह गोप खाटी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कई बार विधायक रहे, हालांकि पिछले दो चुनाव से उस तरह से उम्मीद के मुताबिक नतीजे उनको नहीं मिले, लेकिन यादव कुनबे के बेहद करीबी, मुलायम सिंह यादव से भी करीबी रिश्ते, और अखिलेश यादव से भी उतने ही वो जुड़े रहे हैं। वो खबर सुनकर अपने आप को संभाल नहीं पाए, फूट फूट कर अरविंद सिंह गोप रोने लगे, वो तस्वीरें आपने देखी। और ये वो काफिले की तस्वीरें हैं जो सैफई तक उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाया जा रहा है। वहीं नेताजी के निधन से मैनपुरी में भी कार्यकर्ताओं में दुख की लहर है, कई कार्यकर्ता रोते नजर आए। मैनपुरी उनका संसदीय क्षेत्र भी है। नेताजी हमारे मैनपुरी पार्टी कार्यालय पर ही आए थे 2 महीने पहले, तो ही मुलाकात हुई थी उससे, मेरे लखनऊ मिले नेताजी से। किसी भी कितना भी बड़ा विरोधी हो नेताजी का, अगर वो बैठ गया तो 5 मिनट के अंदर वो नेताजी का मुर्गी तो हो जाता था। मेरी बाँ पकड़ ली, मुझे बिठा लिया अपने पास, परिवार के बारे में ऐसे पूछा जैसे वो मेरे काफी मुझसे नजदीक रहे हो, मुझे जानते हो व्यक्तिगत रूप से। संवाददाता मोहित राज दुबे मथुरा के टुलकाजा पर है, वहां से काफिला गुजर रहा है। इसी काफिले में मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर, और यहां से सैफई के लिए आगे बढ़ता है काफिला। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्ट्रीट पर आप देख रहे हैं। सैफई के लिए उनका पार्थिव शरीर रवाना हो गया है कुछ वक्त के लिए। मथुरा के ही वृंदावन के एक पेट्रोल पंप पर काफिला रुका था, एम्बुलेंस में तकनीकी खराबी आ गई थी। अब आगे काफिला बढ़ता हुआ, कई गाड़ियां यहां पर हैं, अखिलेश यादव भी, और ये एम्बुलेंस की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसी एम्बुलेंस में मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव ले जाया जा रहा है, सैफई में ही कल उनका। मोहित, क्या जानकारी? अखिलेश यादव की तस्वीर दिखाई जी मोहित। देखिए इस वक्त आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें, इस वक्त मैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर अखिलेश यादव की दिखा रहा हूँ। अखिलेश यादव देखिए इस वक्त काफिला में मौजूद हैं, और इस वक्त देखिए कि मुलायम सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव उस पार्थिव शरीर के ठीक पीछे हैं। देखिए आपको बता दें कि इस वक्त शिवपाल यादव भी इस काफिले के साथ मौजूद हैं, और पार्थिव शरीर लेके उनके पैतृक निवास जो है
वो लेके जो है अखिलेश यादव जा रहे हैं और वहीं पर पंचतत्व में मुलायम सिंह यादव विलीन होंगे, धरती पुत्र जो है धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव विलीन होंगे। और इस वक्त भावुक तस्वीरें खासतौर पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अखिलेश यादव भावुक दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, उनके परिवार के सदस्य जो है इस काफिले में मौजूद हैं। तो अखिलेश यादव ने खासतौर पर आपको बता दें कि इससे पहले भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि आप लोग जो है शांति बनाए रखें। और आपको तस्वीरों में फिर से एक बार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश यादव और उनके पारिवारिक जो सदस्य हैं उनके पार्थिव शरीर के साथ चल रहे हैं। देखिए मुलायम सिंह यादव का जो योगदान है उत्तर प्रदेश में कोई भूल नहीं सकता है। पिछड़े तबके के लोगों को जिस तरीके से उन्होंने आवाज दी, जिस तरीके से हिंदी को तरजीह दी, जिस तरीके से उन्होंने जो है खासतौर पर लोगों का सर्वांगीण विकास करने का काम किया, चाहे किसान हो चाहे दूसरे वर्ग के लोग हो, आज सारे विरोधी दल इस बात को लेकर याद कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद जो है एक ऐसा नेता चला गया है, एक ऐसा भारतीय राजनीति में एक ऐसी रिक्तता आ गई है जो जिसकी कभी भरपाई कभी पूर्ति हो नहीं सकती है। और हम आपको बताने की यही कोशिश कर रहे हैं और दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव ग्राउंड जीरो से कि किस तरीके से मुलायम सिंह यादव का काफिला उनके गांव की ओर जा रहा है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शोक की लहर नहीं, पूरे देश में शोक की लहर है। सभी बड़े नेताओं ने, मंत्रियों ने, उनके दोस्तों ने संवेदना प्रकट की है और कहा है कि मुलायम सिंह के जाने के बाद जो है एक बहुत अच्छा दोस्त, एक बहुत अच्छा नेता हमने खो दिया है। सिफई में वो पैदा हुए थे, सिफई के रहने वाले थे और सिफई में शोक की लहर है। खासतौर पर मैनपुरी उत्तर प्रदेश सभी जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सिफई में जो है वो पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और खास बात आपको फिर से हम दिखा रहे हैं कि इस गाड़ी से जो है अखिलेश यादव जा रहे हैं और अखिलेश यादव के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने समाजवाद को जो सींचा था, समाजवाद की को लेकर जो नई लकीर खींची थी, उस लकीर को और लंबी करने का काम अब अखिलेश यादव के कंधों पर है। यही सबसे बड़ी चुनौती है। और इस खासतौर पर दुख के पल में जो है अखिलेश यादव को खुद संभलना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को संभलना पड़ेगा और साथ ही साथ परिवार को संभाल को जो है आगे लेकर चलना होगा। और ऐसे में खासतौर पर भले ही जो है मुलायम सिंह यादव बहुत दिनों से अस्वस्थ थे, उनको चाहने वाले, उनके उनको उनको मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले लगातार मेदांता अस्पताल के सामने खड़े होकर दुआएं कर रहे थे, आह्वान कर रहे थे कि उनके नेता ठीक हो जाएं, लेकिन ईश्वर को ये मंजूर नहीं था। ईश्वर ने, नियति ने इतने ही तक उनकी उम्र लिखी थी, 82 साल की उम्र में निधन उनका हो गया। और 3 बार के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, 7 बार सांसद रहे हैं, 8 बार MLA रहे हैं, MLC रहे हैं और इस दौरान उन्होंने समाज के लिए जो काम किया। देखिए मुलायम सिंह यादव इतने कर्मठ थे और इतने संवेदनशील थे, इसकी कई एग्जांपल्स हैं। खासतौर पर जब उन्होंने 1967 में पहला चुनाव लड़ा था, उनके पास पैसे चुनाव लड़ने के लिए नहीं थे, साइकिल से वो प्रचार किया करते थे, उनके दोस्त उनके साथ जो है साइकिल पर बैठा के प्रचार किया करते थे। उस वक्त मुलायम सिंह को ये लग गया था कि अपने विरोधी को हराना बड़ा मुश्किल है, तो उन्होंने एक नया नारा दिया था, 1 कोट 1 नोट। जब उनके पास पैसे नहीं थे, लिहाजा बहुत सारा चंदा उनके पास इकट्ठा हो गया था उस वक्त और उन्होंने अपने विरोधी को हरा दिया था, विरोधी को उस वक्त चित दे दी थी और भारतीय राजनीति के शिखर पर वो चले गए। तो ऐसे थे मुलायम सिंह यादव, वो एक जमीन से उठकर जो है वो सामने आए थे। और आपको फिर से तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं कि जो है अखिलेश यादव भावुक दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव को एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने पिता के पार्थिव शरीर को लेकर जो है अपने गांव पहुंच रहे हैं। वहीं पर उनको अग्नि दी जाएगी, वहीं पर उनको पंचतत्व में विलीन किया जाएगा, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि क्या योगदान था उनका, तो योगदान आपको बता दें कि जब वो रक्षा मंत्री थे तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने पाकिस्तान को दुश्मन नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि असली दुश्मन चीन है। इस बात को लेकर लगातार वो संसद के भीतर बतौर रक्षा मंत्री उन्होंने सीमाओं को मजबूत करने का काम किया था। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री बने थे तो आपको याद होगा, चाहे किसानों की बात हो, वंचितों की बात हो, महिलाओं की बात हो, वो उन्होंने अलग अलग तरीके से जो है विकास की लकीरें खींची थी और उसी लकीरों पे दूसरी जो सरकारें आई थी वो भी अपना काम करती हुई नजर आई। और बता दें कि जब समाजवादी पार्टी की स्थापना उन्होंने की थी तो उन्होंने सभी वर्गों को साथ लेने की कोशिश की थी। एक ओर पूर्वांचल से मोहन सिंह हुआ करते थे, दूसरी ओर ब्राह्मण नेताओं में जनेश्वर मिश्रा हुआ करते थे, ठाकुर नेताओं में आपको बता दें कि अमर सिंह तो बाद में जुड़े, लेकिन उस वक्त मोहन सिंह के साथ साथ मुस्लिम समुदाय का भी प्रतिनिधित्व लेकर चला करते थे, चाहे आजम खान की बात हो, शफीकुर रहमान पर की बात हो, तो वो समुचित और सर्वांगीण विकास को लेकर सोचते थे और कहते थे, हमेशा वो कहा करते थे कि अपना कोई विरोधी नहीं है, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन
कभी मनभेद नहीं होना चाहिए। और इसी लकीर को खींचते हुए मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश को एक नया आयाम दिया था, उत्तर प्रदेश में एक नई लकीर खींची थी। और जब सेंटर की राजनीति में आए तो उनकी एक बड़ी भूमिका 1999 में भी देखिए दिखाई दी थी। उस वक्त जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे उसमें उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। उस वक्त कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी का नाम चल रहा था, उन्होंने जाकर राष्ट्रपति को कह दिया था उनके पास पूरा बहुमत है, लेकिन उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने अटल बिहारी वाजपेयी को अपना समर्थन दिया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं बात रखी थी और अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। और उसके बाद आपको बताते हैं कि राजनीतिक हस्तियों राजनीतिक इबारत तो लिखा ही लिखा उन्होंने, लेकिन सामाजिक इबारत भी उन्होंने लिखी है। समाज में रहते हुए हर पल वो कार्यकर्ताओं की बात सुनते थे। और मुझे याद है कि 2012 में मैंने पहला इंटरव्यू उनका किया था और 2012 में उनके घर पे बहुत ज्यादा भीड़ हुआ करती थी और एक एक करके कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात किया करते थे, एक एक करके लोगों की बात सुना करते थे और एक एक करके वो टेलीफोन से अगर किसी से बात करनी होती थी तो उनका कार्यकर्ता वह मोबाइल उनको पकड़ा देता कि नेताजी लीजिए मेरा काम नहीं हो रहा है, नेताजी इनसे बात कर लीजिए। तो इस तरीके की मुलायम सिंह की शख्सियत थी और इसी शख्सियत को जो है आगे लेके चलना होगा अखिलेश यादव को। और अखिलेश यादव को हम देख पा रहे हैं कि देखिए वो गाड़ी में बैठ के टेलीफोन से बात कर रहे हैं, मोबाइल से बातचीत कर रहे हैं और यहीं से कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आज उनके पिता इस दुनिया से चले गए। आप तस्वीरें दिखाते रहिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं काफिले के साथ। न्यूज स्टेट की एक तस्वीर आप देख सकते हैं, सैफई की तरफ ये काफिला रवाना हो रहा है। सैफई में क्या तैयारियां की जा रही हैं अंतिम संस्कार को लेकर, वहां किस तरह का गमगीन माहौल है? संवाददाता विनीत दुबे लाइव कनेक्ट है। विनीत बताइए क्या तस्वीरें वहां दिख रही है? देखिए बिल्कुल जैसा कि अभी न्यूज नेशन पे आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे थे काफिले की, मैं आपको सैफई यहाँ पर मुलायम सिंह नेताजी के घर की तस्वीर आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके की तैयारियां, प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और ये पैतृक कोठी है और यहीं पर ही थोड़ी देर में उनका पार्थिव शरीर पहुंचेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो भीड़ है आसपास के जनपद के जो लोग हैं, चाहे सैफई की बात करें, करहल, मैनपुरी, इटावा, तमाम लोग जो भी इस बड़ी खबर को जिन्होंने भी सुना है वो यहाँ घर पहुंच गए। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में जो कुर्सियां हैं वो यहाँ पर पहले से अब घिरना शुरू हो गई है, जो उनके चाहने वाले हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो दूर दराज से यहाँ पर पहुंच रहे हैं और हर कोई इस बात को कहता हुआ नजर आ रहा है कि एक बड़ी क्षति है जिसको भुलाया नहीं जा सकता है क्योंकि नेताजी सबके चहेते थे, सबके दिल में थे। और अगर सैफई की बात करें, करहल की बात करें तो यहाँ से उनका विशेष जुड़ाव रहा, विकास का खाका जो उन्होंने पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने तो यहीं उन्होंने एक तस्वीर खींची विकास की। और यहाँ से चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में बात करें और उसके बाद जब वो रक्षा मंत्री बने तो एक सबसे बड़ी बात यह थी कि वो पहले ऐसे रक्षा मंत्री थे जब वतन पर किसी शहीद की मौत हो जाती थी तो उन्होंने ही निर्णय लिया था कि पार्थिव शरीर को सेना के जवान के घर पहुंचाया जाए। तो तमाम सेना के जवान भी यहाँ पर पहुंचे हुए, कुछ लोग इनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए किन शब्दों में आज इस दुख को बयान करेंगे? नेताजी भारत के राजनीतिक मानचित्र पर जो नेताजी ने एक छाप छोड़ी है, दलित, गरीबों, मजदूरों, शोषित और वंचितों के लिए जो लड़ाई लड़ी है, तो नेताजी ने जो काम किया है, आज हम लोग जो समाज में एक अच्छे नजरिए से उनको राजनीतिक आदर सम्मान के साथ याद करते हैं, बड़ा दुख होता है नेताजी हम लोगों के बीच नहीं रहे। और राजनीति के प्रोदर है। अब यहाँ अगर करहल के जैन इंटर कॉलेज की बात करें, हमने वहाँ की भी तस्वीर आपको दिखाई थी कि वहीं से ही वो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी और वहीं से ही वो शिक्षक बने और उसके बाद राजनीति का पहले पायदान बिछा। ये आप कोठी देख लीजिए, ये नेताजी की कोठी है और यहाँ पर जो आप सामने नीचे आप दरवाजा देखेंगे उस गेट पर जो तमाम सिक्योरिटी यहाँ पर पहुंच चुकी है, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर अंदर मौजूद है, यहीं पर ही उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। फोर्स यहाँ पर तैनात कर दी गई है लेकिन कार्यकर्ता मेरे दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, दूर दराज से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनसे एक बार बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर किन सब ये बहुत बड़ी क्षति है जिसको नहीं भुलाया जा सकता, क्या कुछ कहेंगे आज के? जी देखिए नेताजी की जो आज दुखद डेथ हुई है इससे हम सब जितने लोग हैं मैनपुरी से आए हैं सब लोग बहुत दुखी है, आहत हैं और इसकी भरपाई नेताजी महान नेता रहे हमेशा देश के। सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर किसी को नेताजी नाम से संबोधित किया जाता है
तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी, नेताजी किसी एक के नेता नहीं थे, वो सबके नेता थे, सबकी बात सुनते थे। तमाम बार जब उनका दरबार लगाया जाता जनता दरबार, तो वहां पर कई बार ये देखने को मिला था कि किसी की भी सुनवाई हो, कोई भी अपनी शिकायत लेकर अगर पहुंचता था, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, पिछड़ा हो, हर किसी की वहां सुनवाई करते थे, उस पर अमल करते थे और अधिकारियों को भी। चलिए सैफई के कुछ पुराने बुजुर्गों से आपकी बातचीत कराते हैं और यहाँ देखिए तमाम वो लोग हैं जो उनके साथ के हैं। सर, नेताजी के बारे में क्या कुछ कहेंगे, आज किन शब्दों में बयान करेंगे, क्या था उनका रिश्ता सैफई से? आज नेताजी हमारे बीच में नहीं है, इस दुखद घड़ी में नेताजी के बारे में क्या बताऊं। नेताजी एक ऐसी शख्सियत थे हिंदुस्तान की जिन्होंने गरीबों की, दलितों की, शोषितों की, पीड़ितों की, किसानों की आवाज को गांव से लेकर संसद तक बुलंद किया। चाहे दवाई हो, चाहे पढ़ाई हो, नेताजी ने हर संभव लोगों की मदद की और हर वर्ग के लोगों को नेताजी ने सम्मान दिया और ऊंचे स्तर तक उठाने का नेताजी ने काम किया। आज अभी एक चीज बताई जाती है सैफई में, जब उन्होंने पहला 67 का चुनाव लड़ा था तो आप सभी लोगों ने, गांव वालों ने उनको मिलकर चंदे से चुनाव लड़ाया था और उस समय एक नारा दिया गया था, एक वोट एक नोट। तो ये नारा तभी से आगे बढ़ा और उसके बाद सुनने में आ रहा कि पूरे गांव में एक वक्त का खाना नहीं बनाया गया था और उनकी मदद की गई थी, तब वो चुनाव पहली बार वहां पे। ऐसा है, जहां वे सभा करते थे नेताजी, वहां एक नोट और वोट मांगते थे हर सभा में। तो वहां पब्लिक हर जाति की, नेता हर जात के थे, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जाट हो, वे सबके नेता थे और सब बराबर मानते थे, उनके लिए कोई जात और विशेष नहीं थे, वे सबके नेता थे। हर आदमी उन्हें दुद्ध रुपया, एक एक रुपया, पांच पांच जो बने सो वहां दे दे, तो बस वहां से पैसा इकट्ठो करो, फिर अगेला बढ़े गए, ये उनका सिस्टम रहा। चुनाव प्रचार प्रसार भी वो साइकिल से किया करते थे, बहुत बहुत दूर से चले जाते, गांव गांव साइकिल से बहुत प्रचार करो, उनके पास गाड़ी नहीं थी इसलिए वे गांव गांव जाते। और गांव गांव जो ब्याह संबंधी है तो ब्याह में जाते, चाहे लड़की को हो चाहे लड़का को, जरूर जाते। और साइकिल, बेटी की शादी है तो वहां जरूर पहुंचते थे, ये मैंने सुना है। और बेटी की जो सहायता होती, बेटी की हमेशा उन्होंने सहायता करी। तो वो तस्वीर यहाँ बयान भी हो रही है कि हर दिल में